17 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया, राजघाट जाकर बापू को नमन किया। साथ में संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता मौजूद रहे। राजघाट जाने से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में मनीष सिसोदिया ने पूजा की। आज पार्टी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शिरडी के साईं बाबा के दरबार पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। पोस्टर में शरद पवार सोनिया गांधी के सामने झुकते दिखाई दिए उद्धव। आज शाम ठाणे में उद्धव भरेंगे हुक्का। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में आरजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ का प्रदर्शन। महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का आरोप है, जांच के लिए बनी एसआईटी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी नर्स, हाथ में बैनर लेकर महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या का जिक्र है। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में मिला महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव, परिजनों ने लगाया रेप का आरोप। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने परिवार को फोन किया, कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच महिला डॉक्टर की हत्या हुई। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि है। शव पर मिले हैं जख्मों के निशान। अस्पताल की 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। ड्यूटी पर मौजूद 5 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शव पर कई जगह खरोंच के निशान हैं। बीजेपी नेता अमित मालवी ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा, अपराध को छिपाने की कोशिश में है ममता सरकार। कहा संदेश खली से लेकर कोलकाता तक बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। बिहार के बेगूसराय में दिल दहलाने वाली वारदात, एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, पति पत्नी बेटी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी रिजवान, पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान, आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गोरी के संपर्क में भी था, पुणे में आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली हेरोइन की खेप, ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई हो रही थी। बीएसएफ ने अपने कब्जे में ली करोड़ों की हेरोइन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आटा मिल में पैकिंग गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। आज वायनाड में पीएम मोदी लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। भूस्खलन से 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। कल हिमाचल भी जाएंगे पीएम। वायनाड दौरे से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार जताया, पोस्ट कर कहा कि उम्मीद है त्रासदी का खुद मुआयना करने के बाद पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्र सरकार की एक टीम वायनाड पहुंची, लैंडस्लाइड से इलाके में हुए नुकसान का आकलन करेगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटा, सड़क पर बोल्डर और मलबा गिरा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा बिछा, लोग सहमे। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई, लगातार बारिश के चलते झील का पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का खोला गया गेट। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी दाखिल हुआ। नदी किनारे मठ मंदिर में भी पानी भरा, कई गांव के संपर्क टूटे। उत्तराखंड के चंपावत में उपनाते नाले में बही तीर्थयात्रियों की जीप, एनडीआरएफ की टीम ने 7 यात्रियों को रेस्क्यू किया। एक महिला की मौत, 2 लापता यात्रियों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, शिमला में भारी लैंडस्लाइड, मलबे के साथ सड़क पर आया पेड़, रास्ता बंद। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में भारी कटान, एक मंदिर भी पानी में समाया, कई गांव और फसलों को बाढ़ के पानी से काफी नुकसान। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती की जगह बदली, छत पर हो रही है गंगा आरती।
यूपी के गाजीपुर में भरभराकर गिरा मकान। हादसे से पहले परिवार ने मकान को खाली किया। बताया जा रहा है गंगा नदी में कटान की वजह से ये मकान गिरा। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी, सड़क तक आ गया नदी का पानी। कई गांवों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, कई इलाकों में घुसा गंगा का पानी। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया, अधिकारियों को दिए आपदा से निपटने के आदेश। पटना में गंगा नदी किनारे बसे लोगों में बाढ़ की दहशत है, पानी की चपेट में आ चुकी है फतुहा नदी और कई सड़कें। अब घर में भी पानी के दाखिल होने का खतरा, लोगों ने मदद की गुहार लगाई। बिहार के बक्सर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार के कटिहार में उफान पर गंगा नदी, पानी के तेज बहाव की चपेट में आया निर्माणाधीन पुल। पुल का एक हिस्सा पानी में बहा, एक साल पहले ही शुरू हुआ था पुल का निर्माण कार्य। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने ही गांव में, उन्हें झेलनी पड़ी फजीहत, जल जमाव से रास्ता हुआ बंद, किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें बाहर निकाला। चिराग ने कहा इलाके में विकास पर जोर दिया जाएगा। कुछ घंटों की बारिश ने बिगाड़ी नोएडा की सूरत, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी, कुछ इलाकों में लोगों को करना पड़ा जाम का सामना। कल दिल्ली में हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। मयूर विहार फेज 2 जाने वाला अंडरपास भी पानी में डूबा।